हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त अनीता प्रसाद। और आज मैंने अपने घर में ये फूडी अनीता स्टाइल चिकन विथ लॉट्स ऑफ जिंजर को बनाया है अपने घर में। तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए मैंने क्या क्या सामान लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस डिश को बनाने में और देर नहीं करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाव, फूडी अनीता स्टाइल चिकन बनाने के लिए मैंने 1 केजी के आसपास चिकन लिया है। अब इसे हम लोग सबसे पहले धुल लिया मैंने, अब इसे हम लोग मैरिनेट करेंगे। तो इसमें आइए अब मैरिनेशन में डालते हैं। सबसे पहले थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ, उसके बाद सॉल्ट के साथ साथ थोड़ा सा काला नमक भी डाल देती हूँ, इससे चिकन का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा दोस्तों। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, 2 से 4 बूंद के आसपास विनेगर डाल देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालें दोस्तों। और इसमें अब हम लोग डालेंगे मस्टर्ड ऑयल इसे मैरिनेट करने के लिए, 3 या 4 चम्मच डाल दें दोस्तों। इसे मैंने अब डाल दिया है, इसे अच्छी तरीके से अब मिला लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे मिला लिया, इसे मैंने हाथ से मिलाया है। आप स्पून से भी मिला सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से चारों तरफ मसाज करते हुए मिलाया है ताकि हर पोर में हमारा जो मैंने मैरिनेशन के लिए जो इसमें मटेरियल डाला है वो सब एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में। और इसे अब ढककर 2 घंटे के लिए हम लोग मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा ये चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक आइए इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। इधर देखिए दोस्तों, हमने मसाले की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। जैसे इधर जिंजर और गार्लिक का मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ, इधर ओनियन को मैंने कट कर लिया, इसे भी पेस्ट मैं बना लूंगी और ये सब फोरन पे डालूंगी। इसमें ओनियन है, जिंजर और गार्लिक और ग्रीन चिली और रेड चिली है। और इधर सबसे पहले ऑयल डालने के बाद मैं डालूंगी हींग और तेज पत्ता। तो आइए चलिए सबसे पहले मैं इसे पेस्ट बना लेती हूँ, फिर इसकी पेस्ट बनाऊंगी, फिर और मसाले मैं पीसूंगी तब आपको बताऊंगी कि क्या क्या मैंने पीसा है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को रफली पीस लिया है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है। वैसे ही ओनियन के पेस्ट को भी मैंने रफली पीस लिया है। और इधर आपको दिखाती हूँ मसालों में मैंने जीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च और ये मैगी मसाला पाउडर मैंने 1 पैकेट डाला है, ये सब मिलाकर मैंने इसे पीस लिया है। और इधर मैंने क्रश कर लिया है थोड़े से गरम मसाला को, क्योंकि मैं गरम इधर मैंने थोड़े से गरम मसाला को क्रश कर लिया है क्योंकि इस फूडी अनीता स्टाइल चिकन में मैं गरम मसाला पाउडर नहीं डालने वाली हूँ, जो डालूंगी बस यही क्रश करके डालूंगी। और हमारा लजीज ये फूडी अनीता स्टाइल चिकन विथ लॉट्स ऑफ जिंजर आज बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनने वाला है दोस्तों। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हम लोग इस चिकन को। हमारा चिकन भी इधर मैरिनेट हो चुका है, तो चलिए बनाते हैं अब इस चिकन को। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल, आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें अब सबसे पहले हम लोग डालेंगे हींग और तेज पत्ता को, अभी अच्छे से नहीं गर्म हुआ था दोस्तों, ये डाल दिया हमने। उसके बाद अच्छा चला लेते हैं ताकि सब तरफ फ्राई हो जाए। बस फ्राई हो चुका है, इसमें क्रश किया हुआ गरम मसाला को डालेंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए।
30 सेकेंड हो चुका है। अब इसमें ये सब हम लोग डाल देंगे जो मैंने कट करके रखा था, और ग्रीन चिली और रेड चिली, ये सबको डालकर सेमी गोल्डन कलर आने तक इसे हम लोग फ्राई करेंगे। ये जो गरम मसाला के साथ हमने जो जावित्री को डाला है, ये डालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से मेन फ्लेवर आएगा दोस्तों। तो चलिए इन सबको भी पहले फ्राई कर लेती हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा सेमी गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है। अब ये जो मैंने ओनियन को पीस के रखा है, ये सब डालने वाली हूँ आज मैं, और इसे भी मैं सेमी गोल्डन कलर तक होने तक मैं फ्राई कर लूंगी मीडियम टेम्परेचर पर। बहुत हाई टेम्परेचर हमें नहीं देना है, नहीं तो ओनियन जल जाएगा। इसे मीडियम टेम्परेचर पर हमें सोंधी सोंधी फ्राई करेंगे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा दोस्तों। इसे फ्राई करते करते हम लोग 1 से 2 पिंच के आसपास सॉल्ट डाल देंगे, क्योंकि मैंने मैरिनेट करते समय भी सॉल्ट डाला था, इसीलिए आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें सॉल्ट डालें। और 1 पिंच के आसपास इसमें मैंने काला नमक डाल दिया है ताकि इसमें भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए हमारा ओनियन का पेस्ट भी सेमी गोल्डन कलर का आ चुका है। अब इसमें हम लोग जिंजर गार्लिक के पेस्ट को डालेंगे, इसे भी सेमी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकन भी इसमें फ्राई होगा, इसलिए पहले ही ज्यादा फ्राई हम लोगों को नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये भी सेमी गोल्डन कलर में फ्राई हो चुका है। अब टेम्परेचर को बिल्कुल लो करेंगे। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, रेड चिली आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें दोस्तों। और ये जो मैंने मसाला को पीस के रखा है, ये भी 2 चम्मच के आसपास, बहुत ज्यादा ना डालें, 2 चम्मच के आसपास डाल दें, क्योंकि 1 केजी चिकन है तो थोड़े मसाले तो होने चाहिए। अब टेम्परेचर को थोड़े मीडियम पे ले आएंगे, और इसे 8 से 10 बार चलाने के बाद हम लोग चिकन डाल देंगे, ताकि मसाले जो मैं थोड़े थोड़े कच्चे रखी हूँ, ये सब चिकन के साथ भुनता भी जाए और चिकन में एब्जॉर्ब भी होता जाए और चिकन हमारा पकता भी जाए, मसालों का फ्लेवर उसमें अच्छी तरीके से घुस जाए। इसे बिल्कुल लो टेम्परेचर पर 4 से 5 मिनट के लिए हम लोगों को ढक ढक कर भूनना है। दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गई आप लोगों को, मैंने इसमें 1 पिंच के आसपास किचन किंग मसाला पाउडर भी डाला है, वो आपको ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगा। ये ढक ढक कर भूनते हुए, क्योंकि टेम्परेचर मैंने बिल्कुल लो रखा है, भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। अब इसमें हम लोग ये जो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, ये सब इसमें डाल देंगे और अच्छे से चला देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने चिकन को चला दिया है, और अब इसमें हम लोग 1/2 स्पून के आसपास शुगर डालेंगे। शुगर डालने का पर्पस ये है दोस्तों कि इसमें कलर भी बढ़िया हो जाएगा भूनते भूनते, और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप मेरे तरीके से एक बार बनाइए दोस्तों, एक बार और चला देती हूँ ताकि सब तरफ बराबर से भूनता रहे। तो दोस्तों फिर से मैंने चला दिया है, अब इसे हम लोग ढक देंगे और चिकन के पक जाने तक
इसे यूं ही एकदम से लो टेम्परेचर पर ही हम लोगों को भूनते भूनते पकाना है। हाँ तो दोस्तों, मैं बता रही थी आपको कि इस चिकन में मैंने जो शुगर डाला है, इससे चिकन का फ्लेवर भी बढ़ेगा और इसका कलर भी बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग चिकन को ढक देते हैं और इसे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे और इसे भूनते भूनते पकाते भी रहेंगे। और इधर देखिए, मैंने जो मसाला पीसा था उसका पानी बच गया है, तो वो मैंने फेंका नहीं है। बस इतना ही पानी मैं इस चिकन में, जब ये पक जाएगा और अच्छी तरीके से भून जाएगा, तब मैं लास्ट में उतना ही पानी को डालूंगी। कितना डिलीशियस ये चिकन हमारा दिख रहा है दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों, ये खाने में भी वैसे ही टेस्टी होगा। मैं अच्छे से पहले चला देती हूँ, इसे मैंने अच्छे से चला दिया है, फिर से ढक देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा शानदार चिकन बनकर बिल्कुल रेडी है। एक बूंद भी अभी मैंने पानी इसमें नहीं डाला है। और ये तो चिकन तो जो कि फूडी अनीता स्टाइल विथ लॉट्स ऑफ जिंजर, ये मेरा बनकर रेडी है। अब इसे जांचे कैसे कि पक चुका है, तो कोई भी एक पीस हम लोग ऊपर की ओर लेंगे और उसमें ये सादा नॉर्मल पानी को थोड़ा सा डालेंगे, ताकि ये इस पीस को मैं हाथ से छू सकूं। और इधर देखिए, तोड़ के आपको दिखाते हो, देखिए कितना आसानी से ये टूट गया। इसका मतलब ये चिकन अच्छी तरीके से पक चुका है। अब ये जो मसाला हमने, मसाले का पानी है वो थोड़ा सा अपने अंदाजा भर आप इसमें डालिए, बहुत ज़्यादा भी डालने का ज़रूरत नहीं है। आपको कितनी गाढ़ी ग्रेवी खानी है अपने चिकन को, रोटी या राइस या किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी गाढ़ी इसमें ग्रेवी चाहिए, उसी हिसाब से इसमें पानी डालिए दोस्तों। ज्यादा भी पानी सही नहीं रहेगा, थोड़ा सा और डाल, बस। अब इसे 2 मिनट के लिए और हम लोग ढककर पका लेंगे, ताकि जो हमने पानी डाला है, पानी भी अच्छी तरीके से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, हमारा शानदार चिकन बनकर रेडी है। अब इसके इंडक्शन को करेंगे हम लोग ऑफ। अब इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता को स्प्रिंकल कर देंगे। आपको मन नहीं है धनिया पत्ता डालने का तो नहीं भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसे अब गर्मा गर्म सर्व करने के लिए हम लोग निकालते हैं। देखिए कितना लजीज दिख रहा है, वाव। ये अब इसे निकालते हैं हम लोग। देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है दोस्तों, वाओ। इतना शानदार और डिलीशियस चिकन अगर पुलाव के साथ मिल जाए तो मजा ही आ जाए दोस्तों। आपने किस चीज के साथ इसे ट्राई किया, रोटी की पराठा की पूड़ी की पुलाव या यूं ही प्लेन राइस, आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएं दोस्तों। दोस्तों मैंने चिकन को प्लेट में निकाल लिया है सर्व करने के लिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया पत्ता को भी मैं सजा देती हूँ। तो
धनिया पत्ता को मैंने ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। तो मेरी बनाई हुई ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, अपनी राय हमें जरूर से दें। अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और इसी तरीके से मजेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय दोस्तों। एक फोटो भी ले लेती हूँ।